अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाय हेलो, मैं जफर खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ जेड नाउ टीवी के प्रोग्राम विश करो दिल से। अब मैं इस वक्त मौजूद है, प्रोग्राम लेकर आया हूँ नेकलेस रोड हैदराबाद में। यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से इंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉय के लिए, थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए, थोड़ा सा अपना मूड चेंज करने के लिए, कोई मूड बनाने के लिए आते हैं। तो लोग यहाँ पर आस पास बस्तियों से रहने के अलावा दूर दूर शहर से भी, दूर दूर इलाकों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। खासकर जो मेहमान दूर से आते हैं वो लोगों के यहाँ रहने वाले यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ के नज़ारों से लुफ्फानंदोज़ उठाते हैं, लुफ्फानंदोज़ करते हैं। तो चलिए ऐसे में हम लोगों से जानते हैं कि इनका 2020 कैसे गुजरा और क्या क्या हुआ इनके साथ। लॉकडाउन भी आया, सैलाब भी आया, इन सब से हमने आपने सब ने लड़ा। तो इसके बाद वो लोगों ने क्या किया और इससे पहले और 3 महीने जो थे उसमें क्या किया और लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया है। आइए, कुछ लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्ते, हाय, हाउ आर यू, सब बोल रहा हूँ आपको। आप क्या है, आप मेरे को बोलिए, आपका नाम बताएं। आपका नाम रवि कुमार। आपका नाम रवि कुमार है। तो नमस्ते रवि कुमार जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद में रहते हैं, कब से सिकंदराबाद में आप? मैं पैदा हुए जब से। हाँ, ठीक। कैसा लगा आपको 2020? हाँ, 2020 इतना मेरे को लच्छिंदी कैसा लगा? ये मैं महिंदी भी कि 2020 लो चारा बैठ जा रही कोरोना वायरस है। बहुत उसको बहुत प्रॉब्लम है मेरे को कोरोना वायरस हो गया लॉकडाउन में। आपका शादी हुआ? शादी नहीं मेरे को, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ आपको। आपका शादी होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, फैमिली के साथ रहते थे आप। ठीक, और क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसको दूसरा आदमी। तो चलिए, आप न्यू ईयर विश कर सकते हैं, आप सबको विश करिए, फैमिली फ्रेंड्स को सबको। हाँ ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, दिल से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। चलिए तो आइए, और भी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं। चलिए पहले मैडम से बात करें। मैडम आप कहाँ से, आपका नाम बताएं? बेगम बाजार से। बेगम बाजार से, क्या क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ। अच्छा, बताइए आपका लॉकडाउन कैसा रहा और 2020 कैसा रहा आपका? बिल्कुल अच्छा नहीं गया 2020 कुछ भी नहीं हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप 2021 के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अभी देख रहे हैं 2021 में। अच्छा, आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको विश कर सकते हैं? विश करते हैं, सबको विश करते हैं। आई मिस यू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए राइट, थैंक यू। तो देखा लोग खुश हो रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। चलिए आपका और शाम में और थोड़ा रंगीन कर देते हैं, एक के बाद एक पूछते हैं। नहीं आप पहले, आप अच्छा चलिए पहले, नहीं आपको ज्यादा लोग ऑर्डर है, आपको बोलूंगा। चलिए आपका नाम बताएं। समीर। समीर भाई आप क्या करते हैं? कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, आपको बहुत मौका मिला होगा पढ़ने के लिए लॉकडाउन में, सैलाब में, 6-8 महीने घर में बैठे हैं आप। 2020 कैसा गया आपका? अच्छा गया, बोल अच्छा गया। क्यों, क्या किया आपने ऐसा? कुछ भी नहीं, एंजॉय, छुट्टियां। तो लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं, भाग लेते फिर और क्या। आप बताइए सर, आपके पास भी आ रहा हूँ। और क्या क्या हुआ? कुछ तो भी हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ पूरे एक साल में। कार एक्सीडेंट हो गई। अरे, और कुछ भी नहीं, बस वो इंश्योरेंस, वो चल रहा है इंश्योरेंस का। अच्छा क्या, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ तो भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ बुरा हुआ? बुरा इनके साथ कार के चले गए इनके। और कुछ भी नहीं, बस हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अब आपकी बारी, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम इलियास है। बिल्कुल सही नहीं गया। क्या क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? पूरा लॉकडाउन था ना जी, तो लॉकडाउन में आपने क्या किया? लॉकडाउन में एंजॉय करे और क्या एंजॉय करे, जैसे कि बारबेक्यू वगैरह वगैरह। आपने अभी बोला कि कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बाहर तो नहीं फिर सक रहे थे ना, पुलिस वाले डंडे मार रहे बाहर ने, छत पे क्या है बंगले पे। अच्छा ठीक। अच्छा, और क्या हुआ? और क्या हुआ, बस इतना ही। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ बुरा हुआ? कुछ बुरा तो हुआ, हमारी गाड़ी तो चलेगी। चलिए बताइए, आप अपने चाहने वालों को सबको विश कर सकते हैं? अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ बुरा हुआ ही नहीं क्योंकि साल तो ऐसा ही था। चलिए अन्ना बड़े, अन्ना नमस्ते, आपका नाम बताएं। उदय कुमार। उदय कुमार जी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं जामबाग पुसल बस्ती में रहता हूँ। क्या करते हैं? हम का एम्प्लॉय है। चलिए, आपका 2020 कैसे गया? सबके साथ हम भी है, मजा तो लगा। मैं 40 बोलता, वेट हमारा 40 था। लॉकडाउन में मस्त बिरयानी बिरयानी खाए, पाया व्या खाए, वेट बढ़ गया एकदम उसमें। उसके बाद में बारिश आया, पानी निकाल निकाल के वजन गढ़ गया हमारी। बहुत मजे की बात कही आपने। तो इसी मौके पर आपको जेड नाउ टीवी के जानिब से, जो हमारा प्रोग्राम है विश करो दिल से, आप अपने चाहने वालों को न्यू ईयर विश कर सकते हैं। विश करिए वर्ल्ड वाइड, पूरा कितने लोग देख रहे हैं चैनल को, सबको हैप्पी न्यू ईयर का विशेष बोल रहे हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
चलिए सर आप बताइए। चलिए बड़े भाई, आपका लुक जो एकदम प्रकाश राज जो है ना, जो विलन है ना, एकदम वैसा लग रहा। मैं देखते समझ गया कि प्रकाश राज इधर आया शायद। चलिए कोई बात नहीं भाई, एक जूनियर प्रकाश राज हमारे साथ बैठे हैं, इनके लिए एक बार तालियां मारिए प्लीज। तालियां। चलिए चलिए सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सतीश सागर है। सतीश सागर है। हाँ, आपका भी फिल्मी नाम है इस वक्त। आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं अपना प्राइवेट जॉब है। क्या जॉब है सर? हमारा केबल कनेक्शन का है, केबल टीवी। हाँ सर, आपको 2020 कैसा लगा? सही है, सबक मिला सबको। और क्या क्या सबक आपको क्या मिला? सबक मीन्स ऊपर वाले ने दिया जो। क्या मिला आपको? मीन्स अब सब लोग अपने अपने क्या क्या बोलते हैं उसको, सब अपने बहुत बड़ा बड़ा समझते थे, सबको दिखा दिया औकात अपनी ऊपर वाला। अच्छा। जो बाहर जाके पढ़ के आए। इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, आपको वो सबक मिला है, आपकी आपको समझ में आ गया है। तो आपने 21 के लिए क्या सोच रखा है? 21 इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, वैसा कुछ नहीं है, सबके साथ अपन है। तो आपको इसी मौके पर जेड नाउ टीवी के जानेब से आपको विश करने का मौका देते हैं, तो आप विश करिए दिल से सारी दुनिया को। हैप्पी क्रिसमस तो चले गया, अभी हैप्पी न्यू ईयर है और आने वाला है संक्रांत है, हैप्पी संक्रांत। सर आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम चंद्रभूषण है, भूषण, मैं दुबई में रहता हूँ। तो लॉकडाउन के टाइम में मैं हैदराबाद आया तो इधर ही फंस गया, अभी जाने के लिए देख रहा हूँ मैं। और क्या हुआ आपके जिंदगी? जिंदगी हम लोग एक टाइम में सोचे थे हम बहुत ये है वो है, हम अपने आप को बहुत गुरूर समझते थे। एक छोटा सा वायरस पूरा हिलडल शेक बम बोलते ना, एक मच्छी पूरा हिजड़ा बना देता है, ऐसा सब लोग जो है ना घर पे बिठा दिया, अभी तक कोई उठ रहा नहीं। इसलिए कभी भी कुछ भी हो अपने आप को ज़्यादा होशियारी नहीं समझना, भगवान को मानो, ऊपर वाले को मानो, नेचर को सपोर्ट करो, वो तुमको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सर, इसीलिए कहते हैं जिसका नेचर अच्छा उसका फ्यूचर अच्छा। तो चलिए सर, इसी मौके पर आपको जेड नाउ टीवी के जानिब से विश करो दिल से कि आपको मौका दिया जाता है, आप तमाम लोगों को विश कर सकते हैं। यस यस यस, जेड नाउ टीवी की तरफ से हमारे उदय भाई, सतीश भाई और मेरा भूषण, हम लोग की तरफ से सभी लोगों को नया साल का मुबारक हो और आगे हर साल आप तरक्की करते रहे। चलो थैंक यू। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, बिल्कुल सही है। चलिए सर आप बैठे हैं, बहुत ही फ्री वक्त में यहाँ पर लोग आते हैं, तो आप भी यहाँ पर अपना मूड चेंज करने आए हैं या फिर मूड बनाने आए हैं या फिर कुछ और है, आप बताइए आपका नाम पहले। मेरा नाम तो सैयद रमीज हाशमी है। हाशमी साहब आप क्या करते हैं? अभी मेरा बिजनेस है डीलिंग का। डीलिंग जी हाँ। कहाँ रहते हैं आप? संतोष नगर। अच्छा संतोष नगर में। चलिए ये बताइए आपका 2020 कैसे गया? अल्हम्दुलिल्लाह किसी का परेशानी में गया, किसी का अच्छा गया, हर कोई तो ऐसा कोई नहीं था, हर कोई नर्वस ही था। इंशाल्लाह ये साल अगला साल हैप्पी न्यू ईयर इंशाल्लाह हर किसी के लिए अच्छा जाएगा। अब कोरोना के लिए तो हर कोई परेशान थे, बहुत टेंशन में थे, हर कोई दुआ हर चीज़ से चल रही थी हर मज़हब के लिए। इंशाल्लाह 2021 में बस हर किसी की परेशानी दूर हो गई, तो बस से प्लान तो इंशाल्लाह मुकद्दर है, वो तो अल्लाह। सही बात की आपने, मुकद्दर की बात है, किसको क्या मिला वो तो मुकद्दर की बात थी, दूसरा याद नहीं आ रहा, फिर कभी बोल लूँगा, कोई बात नहीं है। आप बताइए आपका मौका दिए गए हैं इस वक्त जेड नाउ टीवी के जानिब से, आपके तमाम जितने भी दुनिया में लोग रिश्तेदार हैं सबको विश कर सकते हैं, विश करिए। ठीक है, 2021 हैप्पी न्यू ईयर, और जेड नाउ टीवी को सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह न्यूज़ को आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लोग हैं यहाँ पर जो नेकलेस रोड पर आते हैं, अपने अपने जो भी एक जो परेशानियाँ होती हैं थोड़ा दूर कर लेते हैं, दोस्त अहबाब को बुला लेते हैं, रिश्तेदारों के साथ आते हैं, कभी फैमिली के साथ आते हैं, थोड़ा सा दिल बहला लेते हैं। तो हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, जाइएगा मत, देखते रहिए जेड नाउ टीवी का प्रोग्राम विश करो दिल से। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम जेड नाउ टीवी का, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम, जी हाँ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम विश करो दिल से। विश करो दिल से प्रोग्राम में लेकर आया हूँ नेकलेस रोड हैदराबाद में, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं, हैदराबाद के अलावा आजू बाजू तमाम शहरों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और फैमिली के साथ भी आए हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी आए हैं, और कुछ बस ऐसे ही आ गए हैं। उन सबसे विशेष ले रहे हैं, सबके दिल के हालात जान रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। तो चलिए कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं फैमिली के साथ आए हैं, तो प्लीज़ सर आप थोड़ा सा आ जाइए ताकि रोशनी हमको पड़े, सर से बात करें। मैडम इधर आ जाइए प्लीज़, सर आप आ जाइए। सर पहले मैडम से बात करते हैं, मैडम आपका नाम बताएं। माय नेम इज़ लता।
लता मैडम आप क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं या जॉब करते हैं? आई वर्क एज अ टीचर। अच्छा, तो मैडम आप इस वक्त 8 महीने तकरीबन 8 मंथ्स भी हो चुके हैं, आप अपने जो स्कूल के जो मतलब आने जाना और स्टूडेंट्स को सबको मिस कर रहे होंगे, तो आपको ये 2020 कैसा रहा और कितना मिस किया आपने स्कूल को? एक्चुअली आई हैव बीन मिसिंग स्कूल, बट द थिंग इज वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन, सो इन सम ऑर द अदर वे वी आर इन टच विद द चिल्ड्रन डेली, सो फिजिकली आई एम मिसिंग द स्कूल बट वी आर इन टच विद द children. Actually, physical classroom is better than online classes because we can give individual attention to every child. Now they are sitting at a different place and we are sitting at our home, they are sitting at their place. Now parents also play an important role over here because when I am teaching, the parents also should actually they are cooperating so well, and now the children have come on track and they are listening to the classes well. मैडम आप ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं, चिल्ड्रंस को मिस कर रहे हैं या फिर स्कूल की जो गैदरिंग होती थी टीचर्स की वो मिस कर रहे हैं या फिर कुछ और, क्या मिस कर रहे हैं आप? I'm actually missing everything. I'm missing my children first of all, and then I'm missing my teachers also, the gatherings, the friends, the bonding which we used to have in the school. I'm obviously missing all those things during corona time, but very soon if the vaccine comes, then maybe we can step out and all again have our school time. From ZNOW TV, I'm wishing all my students and all my teachers, my principal and all my staff advanced Happy New Year. Have a safe year ahead. Let us have a healthy and a peaceful year 2021. Thank you sir. आपके पास आते हैं सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुधाकर है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ पे? हैदराबाद में। अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि फिर जा रहे हैं? नहीं, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं अभी। तो कैसा आपको लग रहा है, वर्क फ्रॉम होम अच्छा लग रहा है फिर ऑफिस जाके काम करना अच्छा लग रहा है? ऑफिस जाके काम करने करे तो ही अच्छा लग रहा है। घर से पीछा छोड़ता है इसलिए फैमिली से छूट अभी क्या है ना, घर का काम देख लेना और ऑफिस का काम देख लेना, डबल काम हो जा रहा है, डबल हो रहा है। अगर ऑफिस गए तो खाली ऑफिस का काम रहता, बाकी का टाइम फ्रेंड्स के साथ चिट चैटिंग करते रहते हैं। तो सर आप अपने स्टाफ को यानी आपके जो कोलीग्स हैं और आपके जो भी रास्ते में मिलते थे होंगे उन सबको आप मिस कर रहे होंगे? हाँ डेफिनेटली, पूरे मेरे कोलीग्स को और स्टाफ को, मैनेजर्स बोले तो कोलीग्स के साथ कैफेटेरियस में जो बैठ के गप्पे मारते हैं वो पूरा मिस हो रहा है, मिस कर रहे टाइम। अच्छा सर कोई बात नहीं। या फ्रॉम ZNOW TV आई विश ऑल माई colleagues and office mates and friends, families, relatives, I wish you all the very best and happy new year. Thank you so much sir. तो ये थे लोग, देखिए जो लोग टीचर हो या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ऐसे ना जाने कितने कौन कौन से लोग हैं जो जाकर रास्ते में या फिर जाना मस्ती मौज करना या फिर इंटरटेनमेंट करते हुए काम करना, ये सब चीज़ें लोगों ने मिस किया है 2020 में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा मुख्तसर सा एक प्रोग्राम करने आए हैं, और भी कुछ लोग फैमिली हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सर थोड़ा सा टर्न हो जाइए क्योंकि अभी नया साल आने वाला है। तो चलिए आपका नाम बताएं सर पहले। मेरा नाम नवनीत है। जी सर, क्या करते हैं आप? मैं बैंगलोर में आईटी में काम करता हूँ। हाँ जी। कब आए हैं आप? कल आया हूँ। तो कैसा लग रहा आपको हैदराबाद? ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा है। यस। अच्छा, आपने बिरयानी खाया यहाँ का? हाँ बिरयानी तो खाता हूँ। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, घर में बना के खाते हैं। तो आपके चेहरे पे थोड़ा सा ऑयल आ रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है। नहीं आ रहा मैडम, आवाज आ रहा। अच्छा आपको सुन रहा है? अच्छा थोड़ा जोर से बोला मैडम को। ठीक है। हाँ रेडी स्टार्ट करें मैडम। चलिए सर आप बताइए, आपका नाम आपने तो बता दिया, आप करते क्या है? मैं आईटी में एक सेल्स मैनेजर। आप ये बताइए यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हैं, क्या न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं या फिर कुछ और है? नहीं न्यू ईयर मनाने के लिए, 2-3 दिन के लिए आया हूँ, न्यू ईयर के लिए वापस बैंगलोर चले। 2-3 दिन में न्यू ईयर ही आ जाएगा सर? यस। तो आप यहाँ मनाएंगे जो वहाँ मनाएंगे न्यू ईयर? बैंगलोर में। तो चलिए कोई बात नहीं, 2020 आपके लिए कैसा रहा? बोला तो बहुत घटिया है 2020, एंड सब कुछ घर से काम करना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकते, वन थिंग। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा अगले साल। सर आपका मैरिज हो गया? हाँ हो गया, मेरा बीवी है। कितने साल हुआ? तीन साल हो गया। अच्छा ठीक है। कितने साल हुआ? 3 साल हो गया।
तीन साल हो गए। हाँ जी, तो आपको लॉकडाउन में घर में अच्छा लगा या फिर लॉकडाउन मतलब नहीं होना अच्छा लगा? नहीं होने से अच्छा है, नहीं होना अच्छा था। हाँ जी, क्यों सर, फैमिली के साथ अच्छा लगेगा आपको? फैमिली ठीक है, ज्यादा काम होगा ना अभी घर में भी काम ज्यादा होगा एंड घर में बैठ के और ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका लगता है शायद आपका जो वेट बढ़ गया शायद लॉकडाउन की वजह से बढ़ गया? हो सकता है, हो सकता है। पक्का है ना? हाँ पक्का। मैं सबको विश करूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर, कमिंग ईयर शुड बी वेरी गुड एंड शुड नॉट बी विद एनी कोविड थिंग्स एंड अदर थिंग्स, बट या विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं, कुछ और भी यहाँ पर बेंगलुरु से लोग आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। प्लीज सर आइए, सर मैडम आइए, तो एक एक करके दे दो ना सबको, अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स को। चलो सर हम आ जाइए। सर सर आपका नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम रघुवीर है। रघुवीर सर आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप एक आंध्रा के हीरो की तरह लग रहे हैं सर, नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन आप बेंगलुरु के हैं ना? हाँ बेंगलुरु का। हाँ तो चलिए कोई बात नहीं है। सर आप क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। आपका 2020 कैसा गया, 2020? सच बताओ या झूठ? पहले सच बता दीजिए। मस्त था। मस्त था? हाँ। किसके लिए मस्त था ऐसे पूछा, मैं बताता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, किस लिए मस्त था सर? 2020 में जब मैं स्टार्ट हुआ इट वाज नॉर्मल लाइक एवरी हैप्पी न्यू ईयर। फरवरी आया मेरा बर्थडे था, दैट वाज गुड। मार्च आया लॉकडाउन हो गया, थोड़ा डाउन हुआ। अप्रैल में मेरा एंगेजमेंट हुआ, अक्टूबर में शादी हुआ। सर लॉकडाउन में कैसा एंगेजमेंट हो गया सर? हो गया सर ऐसे भगवान का इच्छा। अच्छा, अरे मतलब आप तो मतलब धूम धड़ाके से हुआ फिर ऐसी नॉर्मल हो गया? नॉर्मल वही अच्छा हुआ। अच्छा, यानी आपका खर्चा बच गया इसलिए? खर्चा बच गया इसलिए अच्छा नहीं, बट क्या बोलेंगे लाइक कैसा होना था सब सांप्रदायिक प्रकार में हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको अच्छा लगा हुआ। और क्या हुआ सर? बस हुआ सर। सबसे बड़ी बात तो आपका शादी हो गया 2020 में, ये बहुत बड़ी बात है सर। प्लीज वेलकम मैम। सर आपको बुला रहे हैं क्या? रहा सर आपकी बात नहीं सुन रहे मैडम? शर्मा रहे है ना? हाँ। शर्मा रही तो कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम बस टेस्ट कर रहे थे सर। मेरे तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। होप न्यू ईयर ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू एवरीवन्स फैमिली एंड देयर लाइव्स एंड नॉट बी लाइक 2020। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सही कहा आपने, 2020 की तरह कभी किसी की जिंदगी में 2020 ना आए। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनका बहुत अच्छा गुजरा है 2020 में आपने क्या क्या किया अभी मालूम होता है। आपका नाम बताएं। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सुपर मार्केट में। अच्छा, तो चलिए बताइए आपका माशाल्लाह खूब चेहरा है। 2020 कैसा गया? 2020 यार समझो ऐसी बकवास हो रहा था। आपको क्या एक्सपेक्ट किया था आपने, क्या सोच रखा था? कुछ नहीं, अपना सब सिंपल है, वही सिंपल है, फंडा है, फंडा है, हंसते गल हंसते मुस्कुराते आओ। खुशी हैप्पी न्यू ईयर ऑल न्यूज, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका नाम बताएं। नहीं सर, मैं बात करने आ रहा हूं। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं आता। नहीं सर, कर दो सर, मैं कुछ भी नहीं करना किसी। अच्छा इनको तो कर दो प्लीज, इनको भी नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग शर्माते हैं अभी भी, ये दौर में 4G और 5G चल रहा है फिर भी भाई शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही रहिए, आप अच्छे लगते हैं, आप ऐसे ही खूबसूरत दिखते हैं। तो चलिए ऐसे ही लोगों से हम बात कराते रहेंगे आपको, और भी है नए 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 लोगों से, नए नए बातें, नए नए जगहों पर जाऊँगा, आपसे ऐसे ही इंटरटेनमेंट कराऊँगा। इंशाल्लाह फिर अगली बार आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में, नए जगहों पर जाकर नए लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे देखते रहिए, मगर एक बात याद रखिए कि आप इस साल 2020 तो आपने देखा, बस 28, 29, 30, 31 सब खत्म होने वाला है। 2021 की आप तैयारियां करें और दुआ करें, और सबसे कहता हूं मैं कि 2020 कभी फिर ज़िंदगी में ऐसा ना आए, हम सब के लिए खुशियां भरा हो 2021। और आप सब मिलजुल कर रहें, और जो पेंडेमिक है उसके जो गवर्नमेंट हुकूमत के जानिब से जो रूल्स हैं वो उसको फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, कहीं ज़्यादा पब्लिक में जाएं तो आप मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, और जहाँ तक हो सके अपने आप की और बच्चों की आस पास तमाम सबकी हिफाजत करें, और साफ़ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखें। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए, ज़्यादा एंटरटेनमेंट्स के लिए देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है। मेरे साथ कैमरामैन सिराज और मैं आपका दोस्त हरहोस, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।